मंदिर बन गया, सीता माता का मंदिर का है ना, राम अयोध्या का विकास हो गया तो सीतामढ़ी का विकास का है ना, तो हम इस पे अगर हम जवाब देंगे तो यहाँ के लोगों का भी भला होगा। और देखिए पिछली बार तो हमने मोदी जी के झोली में 40 में से 39 सांसद का कुर्सी दे दिया, दिया कि नहीं? गुजरात से ज्यादा सांसद जो है बिहार से जीत के गए, गए कि नहीं? गए ना, यूपी के अलावा दूसरे नंबर पे बिहार था, तमिलनाडु से ज्यादा, बंगाल से ज्यादा, एमपी से ज्यादा। जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सीतामढ़ी मंदिर के पास आने की जरूरत है। और जात के साथ जातीय जनगणना, ये लोग कहते हैं ना कि जातीय जनगणना करेंगे, जातीय जनगणना करेंगे, जातीय जनगणना करेंगे, तो आए और नाम और जात लिख के जाए कि इस मंदिर के वजह से रोजगार मिला है, तो एक जात को मिला है कि सभी जात को मिला है। जब पता चलेगा कि मंदिर में 5-10 पंडित जी है तो यहाँ पे जो है 100 जो है वैश्य समाज के लोगों को रोजगार मिला, दलित समाज के लोगों को रोजगार मिला, पिछड़ा समाज के लोगों को रोजगार मिला। हम सर्वे करने की बात कर रहे हैं, करके देखे माली जो है फूल बेचते हैं कि नहीं, प्रसाद बेचते हैं यहाँ पे, ठीक है, मंदिर का सामान बेचते हैं। ताओं का एक ही धर्म कि किसी भी हाल में हमको पैसा कमाना है, हमको सेट होना है और हमारे बाद जो है हमारे बच्चों को सेट करना है, या हम अपने चमचों दलालों को सेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को बदलना होगा, पैसा लेकर वोट देते हैं वो पैसा नेता खर्चा पहले करता है बाद में कमाता है। सबसे पहले हम लोगों को, आम लोगों को सुधरना होगा। जरा ये बताइए कि तमिलनाडु में मैं जेल में गया था, तमिलनाडु में पूरे भारत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री है, क्या है? सबसे ज्यादा फैक्ट्री है। लेकिन तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति जो है अपना जाति का सरनेम नहीं लगाता है, जाके पता कीजिएगा। तमिलनाडु में जातीय जनगणना नहीं हुआ, गुजरात में जातीय जनगणना नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, कर्नाटका में नहीं हुआ, केरल में नहीं हुआ। जातीय जनगणना कहाँ हुआ? सबसे पहले